借。啊，他继续继续继续。三努力三努力，打你们打人把劲的，打你们打人把劲的，打你们打人把劲的。哎，我打人打人呐。जो सबसे बड़ी मरकजी तंजीम है उसने बाइकआउट कर दिया है चेयरमैन के ऊपर, उनको कुछ इल्जाम लगाए उन्होंने। उनका ये कहना है कि चेयरमैन ने हमारे खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल करके जो है वो हम लोग को जो है वो रुस्वा करवाया है। अब ये बताएं कि सिंध में जो कराची में जो इम्तिहानी अमल जारी है उसमें लाखों तलबा जो है वो रजिस्टर्ड है जो कि इम्तिहान दे रहे हैं। आज उनको इम्तिहानी अमल के शुरू में जो है वो शदीद मुश्किल का सामना रहा। सिंध हुकूमत क्या कर रही है हवाले से अभी मैं चीफ मिनिस्टर साहब को पास में करता हूँ, लेकिन मेरे कुछ कहना है इस पर कि देखो ये हमारे नौजवानों के साथ उनके मुस्तकबिल के साथ ये ज्यादती है। चीटिंग का मसला भी हो रहा था, चीफ मिनिस्टर साहब ने काफ़ी एफर्ट्स इस्तेमाल किया था बॉटम ऑफ दिस इशू, और अभी कुछ लॉबी हो रहा है। कुछ मैं सीएम साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि एक्सप्लेनेशन दो, बट दिस इज़ एब्सोल्युटली अनफेयर एंड अनजस्टिफाइड कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ऐसा खेला जा रहा है, एंड आई विल नॉट टॉलरेट इट। प्लीज सीएम साहब जस्टिफिकेशन क्या हो रहा है। मेरे भाई मेरी बात सुने, चीटिंग का मसला था और ये बहुत जल्दी आज से नहीं शुरू हुआ था, लेकिन मैंने इसका नोटिस लिया। मैंने बड़े जो हमारे स्पेशलाइज्ड लोग थे ना उनसे इंक्वायरी कराई, उस इंक्वायरी की इनिशियल रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में मुझे पता चला है कि कुछ प्रोफेसर्स और टीचर्स ने बायकॉट का ऐलान किया। आज सुबह जैसे ही पता चला था एजुकेशन मिनिस्टर जहां मेहताब डहर साहब को इस इवेंट में आना था वो इधर नहीं गए और इस मसले को हल करने के लिए उन कॉलेजेस में गए, और बाय एंड लार्ज जो है हमने कंट्रोल कर लिया है इम्तिहानात हुए, लेकिन जिन जिनके जहाँ पे भी प्रॉब्लम हुआ होगा इंशाल्लाह उसके तरफ बोर्ड के चेयरमैन के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, चेयरमैन को खुद बार डराया जा रहा है असातिज़ा तंजीमों की तंजीम। देखिए बोर्ड के चेयरमैन ने इंक्वायरी नहीं की, सिंध हुकूमत ने इंक्वायरी की है, और सिंध हुकूमत के मैंने पुलिस के आला तरीन अफसरान जो कि एक्सपर्ट हैं इसलिए कि फोरेंसिक वो मोबाइल फोन्स और व्हाट्सएप और ये इस्तेमाल हो रहे थे उनको इस्तेमाल करके और वो निकाला है, और जो भी इसमें जिम्मेदार होगा चाहे मैं खुद क्यों ना हूं उसको सजा मिले, ताकि ताकि ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेला जाए। चेयरमैन साहब ने ताबून नहीं किया।